देखती हाँ खोल सुनते कानों तुम हकीम शहजाद की तरह अस्सलाम वालेकुम भाई माशाल्लाह जी तारिक तनवीर साहब आए ने जवेद साहब ने हसनैन भाई ने असरार भाई ने खिजर हजार साहब ने माशाल्लाह जी साए जी जामन मेले से माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है बहुत अच्छा फ्रूट लगा हुआ सारे हारवेस्ट करके अपने हाथ में खा रहे ने खान साहब तोड़ रहे ने इधरों माशाल्लाह जी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा और मौसम भी बहुत सुहाना भीनी भीनी हवा चलती पी जी माशाल्लाह जी देखो जी। हाँ जी तारक साहब। हाँ जी साहब भाई सब तो पहले तो वेलकम शुक्रिया कि तुम तशरीफ ले आए हो हर साल तुम कोई नव चीज़ा दिखाते हो लोगों और लोग ताड़े तो बड़े इंप्रैस ने ते आज जनाब असी तीन साल हो गए ने अपने तीन साल हो गए ने दो साल तुम देखो कि हूँ असी इन्होंने वादा किया कि पांच साल तुम बंद करो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान जामदे नाम तो बजाने माशाल्लाह बहुत ज्यादा इत्थे रौनक अज है भी पहले फेस्टिवल दे नहीं रौनक नहीं सी जिनी इस टाइम तीसरे फेस्टिवल दे हुण देखो ना जगह जगह कुर्सियां डिठियां पौड़ियां लगियां फेस्टिवल हो रहा लोग जामना टुट रही लग रही कोई आ रहा कोई जा रहा माशाल्लाह अगले होर साल मजीद बेहतर होंगे अल्लाह ताला जात तुहानू जी होर हिम्मत दवे जी इदां दे फेस्टिवल करन दी माशाल्लाह बहुत तुहाडी अच्छी काविश हैगी जी माशाल्लाह जवेद भाई ये भी नाल टच हो जाए बेल्जियम सबसे बड़ा मकसद इस मेले का है पाकिस्तान में अवेयरनेस पैदा करना कि हमें पाकिस्तानी खाना है पाकिस्तान में उगाना है और मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करना है। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। और कोई मकसद नहीं।